दोस्तों हम फिनिशिंग में ज्यादातर जो टूल यूज करते हैं उस टूल का जो इंसर्ट रहता है उसका रेडियस 0.4 रहता है। हम 0.4 का रेडियस वाला इंसर्ट ज्यादातर फिनिशिंग में इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे जॉब पे फिनिशिंग अच्छा आए। लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया कि हम कभी कभार फिनिशिंग के लिए 0.2 का इंसर्ट यूज करते हैं? ये 0.2 का इंसर्ट हम यूज क्यों करते हैं, ये हमें क्यों यूज करना पड़ता है, ये कैसे पता चलता है? तो दोस्तों ये हमारे ड्राइंग में दिया रहता है कि हमें यहाँ पे 0.2 का इंसर्ट लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्राइंग पे कहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पे 0.2 हमें इंसर्ट लगाना है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में ड्राइंग से ही रिलेटेड आपको डिटेल देने वाला हूँ और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ पे 0.2 का इंसर्ट लगाना है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया है, इस ड्राइंग में कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल की भी डिटेल देखेंगे। अब कुछ डायमेंशन है, वो डायमेंशन हम अगर प्रोग्राम में डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे, उसका मीन वैल्यू जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो हम ये सब आज पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो पहले हम दोस्तों देखेंगे जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये डायमेंशन के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक ए शो किया है और यहाँ पे भी ए शो है, ये दोनों का मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या है? दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आने वाले संडे से सीएनसी प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत से लोग ज्वाइन भी हो गए हैं, कुछ लोग पेमेंट भी कर चुके हैं। और अगर आप लोगों में से भी किसी को इंटरेस्ट है तो संडे से पहले दोस्तों सीएनसी प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए बस आपको मुझे कॉल करना होगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा कि मैं सीएनसी प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। दोस्तों सीएनसी प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन क्लास का जो अमाउंट है वो केवल 999 रुपीज है। आप चाहें तो एक साथ पे कर दीजिए या फिर आपको दो टाइम में पे करना होगा। संडे टू संडे क्लास रहेगा, क्लास का जो टाइमिंग रहेगा दोस्तों 4 to 6 PM और दूसरा क्लास का जो टाइमिंग रहेगा 8:30 to 10 PM। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ड्राइंग का डिटेल देखते हैं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम ड्राइंग में सबसे पहले दोस्तों डायमेंशन देखेंगे कि जो डायमेंशन दिया हुआ है हम प्रोग्राम में उसका वैल्यू कितना डालेंगे, परफेक्ट वैल्यू कौन सा निकल के आएगा। तो हमारा जो पहला डायमीटर आता है दोस्तों, ये डायमीटर आता है, इस डायमीटर का जो वैल्यू दिया है मैंने यहाँ पे, डायमीटर कितना दिया है 20 दिया है। मैंने डायमीटर का एक सिंबल बनाया है इस तरीके से और 20 लिखा है, 20 हाँ। अब 20 के आगे मैंने क्या लिखा है, प्लस 0.03। दूसरा जो दिया है वो भी प्लस में ही दिया, प्लस 0.03 नहीं सॉरी 0.06 है, 0.06 इस तरीके से मैंने उसका डायमेंशन दिया होगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, ये मैं बॉक्स बना के कैप्सूल के जैसा उसके अंदर मैंने डायमेंशन लिखा। अब ये जो बॉक्स मैंने बनाया इस तरीके से कैप्सूल टाइप में, यहां इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग ये निकल के आएगा कि क्रिटिकल डायमेंशन जो कैप्सूल के जैसा बना हुआ है, इसका मीनिंग यह आएगा कि ये डायमीटर जो हमारा है ये क्रिटिकल है। बाकी डायमेंशन मैंने देखिए ओपन में लिखा, बॉक्स नहीं बनाया है, यहाँ पे बॉक्स बनाया है, इसका मीनिंग अलग है, जो कि कोन का है वहां पे वो कैप्सूल टाइप में है, तो ये क्रिटिकल डायमेंशन हो गया क्योंकि ये 0.3 से लेके 0.6 के बीच में है। तो ये 20 को प्लस 0.3 और प्लस 0.6 दिया है, तो हम प्रोग्राम में इसका जो वैल्यू डालेंगे क्या डालेंगे, क्या वैल्यू हमारा निकल के आएगा? दोस्तों हम प्रोग्राम में इसको डालेंगे यस 20, 20 तो हमारा रहेगा ही रहेगा क्योंकि 20 तो हमारा डायमीटर ऑलरेडी है, और प्लस दिया यहाँ पे माइनस नहीं दिया, तो प्लस 0.3 से 0.6 ये दोनों के बीच का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम 0.3 हमें चाहिए और मैक्सिमम 0.6, 0.3 और 0.6 के बीच का डायमीटर क्या आएगा, आएगा दोस्तों 20.045 आएगा। ये हम प्रोग्राम में परफेक्ट डायमेंशन वाला जो आएगा बीच का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका लेंथ दिया मैंने यहाँ पे दिया है 10.0 माइनस 0.3, तो मतलब कितना हो गया 9.7, लेकिन ये 9.7 क्या हो गया, लोअर हो गया, हमें इसका बीच का वैल्यू निकालना है कि मिड वैल्यू इसका क्या आएगा। तो मिड वैल्यू इसका आएगा दोस्तों जेड का, जैसे है बी एस का मैंने डाल दिया यहाँ पे, अब जेड का हमें इसका डालना रहेगा, तो इसका जेड का आएगा जेड माइनस 9.85 आएगा दोस्तों, ये परफेक्ट साइज। इसके आगे दोस्तों आएगा ये कॉर्नर पे आया, मैंने यहाँ पे क्या दिया है प्लस 0.3, अब ये प्लस 0.3 क्या है, वहां पे मैंने आर नहीं डाला है, आर क्यों नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं एक लाइन मार रहा है कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से, अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसा कि ये जो दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है बराबर, और ये जो दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है,
तो जो दोस्तों ये दिया हुआ है ना, ये आएगा आपका आर के लिए मतलब रेडियस के लिए, और जो इस तरीके से दिया हुआ है ये आएगा सी मतलब चैंबर के लिए। तो ये रेडियस के लिए हो गया, ये चैंबर के लिए हुआ, इसके लिए यहाँ पे आर नहीं लगा हुआ है। हाँ, तो हमें जो इसका मीनिंग पकड़ के चलना है वो क्या है कि वहां पे रेडियस जो मांग रहा है कितने का मांग रहा है, पॉइंट थ्री का मांग रहा है, प्लस पॉइंट थ्री। तो क्या पॉइंट थ्री से प्लस मांग रहा है, यही मीनिंग हुआ ना? नहीं दोस्तों, ये प्लस पॉइंट थ्री जो दिया हुआ है ना ये मैक्सिमम हो गया, हमें पॉइंट थ्री के अंदर उसका रेडियस चाहिए, ठीक है। और आगे भी इसका कॉर्नर पे दिया है प्लस पॉइंट फोर, तो ये प्लस पॉइंट फोर क्या है, मैक्सिमम है, मतलब पॉइंट फोर से ज्यादा रेडियस हमारा नहीं आना चाहिए, पॉइंट फोर के अंदर ही रहना चाहिए। और दोस्तों एक चीज और यहां पे देखिए, ये कॉर्नर पे मैंने जैसे यहां पे चैंपर दिया 1:45 नॉर्मली, यहां पे भी मैंने 1:45, लेकिन यहां पे मैंने नहीं दिया हुआ दोस्तों, ये कॉर्नर पे कोई भी वैल्यू मैंने नहीं डाला है। तो क्या वहां पे हम चैंपर नहीं मारेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें चैंपर मारना ही होगा, क्योंकि हम चैंपर नहीं मारेंगे तो वहां पे शार्प आएगा, हम जॉब को हाथ से पकड़ेंगे तो हमारे हाथ पे वो लगेगा, नॉर्मली हमारा हाथ भी कट सकता है, तो हमें वहां पे नॉर्मली चैंपर मारना ही है, मगर मारेंगे कितने का, वो तो ड्राइव पे दिया हुआ नहीं है, तो ड्राइव पे नहीं दिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है। इस तरीके का जो बनाया हुआ है ये किसके लिए है, चैंपर के लिए है, और ये किसके लिए है, रेडियस के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्लस पॉइंट थ्री, मतलब मैक्सिमम पॉइंट थ्री का चैंपर हम मार सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम पॉइंट थ्री, लेकिन हम इसको मारेंगे कितने का चैंपर, पॉइंट थ्री है तो हम पॉइंट टू का चैंपर मार सकते हैं, पॉइंट टू फाइव का चैंपर मार सकते हैं। अब वहां पे कोई एंगल नहीं दिया कि कितने एंगल का चैंपर मारना है, तो नॉर्मली कोई भी जॉब पे देखते हैं कि चैंपर जो दिया रहता है, तो अगर उसे रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें इतने एंगल का चैंपर चाहिए, तो वहां पे 20, 30, 60 डिग्री दिया रहता है, नहीं तो फिर हम नॉर्मली हर एक जॉब को 45 का चैंपर मारते हैं, 45 एंगल का। तो पॉइंट टू का हम या पॉइंट टू फाइव का चैंपर यहाँ पे मार देंगे, 0.25 × 45 एंगल, 45 के एंगल में हम नॉर्मली उसका चैंपर मार देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये डायमीटर जो दिया हुआ है, ये डायमीटर का मैंने साइज कितना दिया, 30.0 डायमीटर दिया है, कितने का, 30 का, इसमें मैंने कितना डाला, प्लस 0.05 हाँ, और प्लस 0.15। अब इसका मीन साइज क्या आएगा, हम प्रोग्राम में इसका वैल्यू डालने जाएंगे तो कितना वैल्यू डालेंगे, देखिए यहां पे 30 दिया है डायमीटर, 30 को मिनिमम 0.5 प्लस चाहिए, तो मतलब 30.05 तो हमें चाहिए, 30 अगर हम जॉब उसका डायमीटर 30 का बना दिए तो जॉब हमारा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 30 को प्लस मिनिमम जो दिया है 0.5 का दिया है, मैक्सिमम जो दिया 0.15 का दिया, इसका मीन साइज आएगा दोस्तों यस 30.10। 10 मीन कैसे आया, क्योंकि इसको 10 को प्लस 15 हमारा मैक्सिमम हो गया, और 10 से माइनस हम करेंगे 0.5 आएगा, क्योंकि हमारा मिनिमम हो गया, तो ये मीन साइज आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा डायमीटर है 40 को मैंने प्लस माइनस 0.2 दिया है, 40 हमारा डायमीटर है और प्लस माइनस जो दिया मैंने 0.2 दिया है, तो 0.2 दिया है तो मतलब 40 से हमारा 0.2 प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, तो हम प्रोग्राम में जो वैल्यू डालेंगे कितने का डालेंगे, 40 का ही डालेंगे, क्योंकि 0.2 प्लस भी चल रहा है 0.2 माइनस भी चल रहा है हमारा जॉब। इसी तरीके से दोस्तों लेंथ में भी है, लेंथ में तो मैं 10 का बता चुका हूँ, 8 का जो देखिए प्लस माइनस 0.2 दिया है, यहाँ भी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं 15 लिया हूँ, 15 को मैंने प्लस 0.3 दिया हूँ, यहाँ पे 10 को मैंने क्या दिया था, माइनस 0.3 दिया था, लेकिन 15 को प्लस दिया हूँ। अब इसका मीन साइज निकालने जाएंगे कि हम 15 अगर उसका लेंथ मेंटेन करेंगे ये स्टेप का, तो हमारा जॉब क्या ओके रहेगा, नहीं ओके रहेगा, क्योंकि 15 लेंथ दिया है लेकिन वो प्लस 0.3 दे दिया है, तो इसका हम परफेक्ट साइज निकालेंगे, इसका आएगा दोस्तों 15.15, ये परफेक्ट वैल्यू आया इसका, ठीक है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा, किस तरीके से बना हुआ है, मैं ड्राइंग का सिंबल का वीडियो दिया होगा, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो समझ गए होंगे ये सिंबल किस चीज का है। मैंने यहाँ पे जो सिंबल दिया है एक छोटा सा सर्कल दिया है, कैसे दिया है, कुछ इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। उसके आगे मैंने क्या लिखा है, 0.1, उसके आगे ए डाला हुआ है, अब यहां पे भी ए डाला हुआ है और यहां पे भी ए डाला हुआ है, हाँ? इसका मतलब क्या होता है, ये बॉक्स में दिया हुआ है,
कुछ इस तरीके से। अब इसका मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों हमें इस सिंबल का देखना होगा, इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों ये सिंबल है रन आउट का, इस चीज का रन आउट, ये रन आउट का सिंबल। दोस्तों मैं सिंबल का वीडियो दिया हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ज्यादातर सिंबल का डिटेल मैं उस वीडियो में दे दिया हूं। तो इस सिंबल का मीनिंग क्या होगा? रन आउट। अब रन आउट ये कहां का दिया हुआ है? जैसे कि ये डायमीटर का 40 डायमीटर जो साइज था, इसके रेफरेंस में दिया हुआ है कितने का? 0.1, मतलब 0.1 का ही इसका रन आउट रहेगा हमारे डायमीटर का। कौन डायमीटर का? 40 का डायमीटर का, ठीक है, तो चलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पे ए क्या दे दिया है? अब ए दिया दोस्तों बॉटम एरिया। बॉटम कौन सा दिया है? अपना पहला डायमीटर ए, यहां का ये देखिए ये डायमीटर कितना हमारा 20, ये डायमीटर का नीचे दिया है ये बॉटम, ए यहां पे दिया है। मतलब हम रन आउट जब चेक करेंगे, जैसे कि ये हमारा जो पिन है कुछ इस तरीके से जॉब बना हुआ है, बराबर। अब ये डायमीटर का हम रन आउट निकालेंगे 0.1, तो चलिए यहां पे हम डायल लगा लिए, ठीक है, यहां पे हम डायल लगा के चेक करेंगे, ये 0.1 के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम किस हिस्से पे रख के जॉब को घुमाएंगे या कौन से पोजीशन, मतलब इसी की कोई भी चीज हम माप लेंगे तो उसका एक जीरो लेवल होगा कि यहां से वहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रन आउट हम जैसे डायल लगा के घुमा के देख रहे हैं, तो कौन सा हिस्सा हम वी ब्लॉक पे रख के चेक कर रहे हैं, कौन सा हिस्सा रखेंगे, तो ये हिस्सा हमें रखना होगा, ना कि ये हिस्सा हम नहीं रख सकते। इस हिस्से के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो हमारा जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, हमें ये हिस्सा लेना होगा, ये हिस्सा पूरा ब्लॉक पे रखेंगे या ये ब्लॉक पे रखेंगे, यहाँ डायल लगाएंगे। मतलब इसके रेफरेंस से, ये डायमीटर के रेफरेंस से, ये डायमीटर का हमारा रन आउट जो रहना चाहिए वो 0.1 में रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारे ड्राइव पे कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। अब यहाँ पे अगर बी दे दें, अब बी का मार्क यहाँ पे लगा दे, ठीक है, बी का मार्क यहाँ पे लगा दे, ये बॉक्स बना के यहाँ पे बी कर दे और यहाँ पे बी कर दे, तो हमें इस रेफरेंस का और ये डायमीटर का दोनों का हिस्सा जो रन आउट आना चाहिए उसका 0.1 आना चाहिए, ठीक है। अब रही बात दोस्तों फाइनली हमारे ड्राइंग पे कहां लिखा रहता है कि हम 0.2 का हिस्सा यूज करेंगे, तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको दिखा दिया था ये वाला हिस्सा है दोस्तों, यहां पे खुला लिखा हुआ है कि हमें VNMG 0.2 का इंसर्ट लगाना है। अब वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि VNMG या जो भी हम इंसर्ट यूज करते हैं CNMG CCMD, मतलब जो भी हम इंसर्ट यूज करते हैं वहां पे इंसर्ट का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रेडियस तो लिखा हुआ है। अब यहां पे खुला क्या लिखा है? प्लस 0.3, क्या हुआ मीनिंग? 0.3 से प्लस नहीं, 0.3 हमारा मैक्सिमम हो गया, 0.3 के अंदर चाहिए। हम 0.4 इंसर्ट नॉर्मली फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं, तो क्या हम इस जॉब में 0.4 का इंसर्ट यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम 0.4 से इंसर्ट से अगर ये जॉब बनाएंगे तो ये चंपर मार्केट टूल हमारा इस तरीके से जाएगा, जब यहाँ पे कॉर्नर पे इंसर्ट का रेडियस आएगा वो कितना आएगा? 0.4 या उसे प्लस ही आएगा, क्योंकि 0.4 के इंसर्ट से 0.4 परफेक्ट नहीं आएगा, वो प्लस ही आएगा, 0.42 4548, इस तरीके से यहाँ पे ये रेडियस दिखाएगा। तो क्या हमारा जॉब चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 0.3 का रेडियस दिया है, तो हमें कितने का इंसर्ट यूज करना होगा वहां पे? 0.2। अब यहां पे दोस्तों 0.4 रेडियस दिया है, प्लस 0.4, मतलब ये मैक्सिमम हो गया, हाँ मिनिमम नहीं है कि मतलब 0.4 से प्लस भी हमारा रेडियस चलेगा, 0.4 से प्लस, अगर इस तरीके से आप समझेंगे कि प्लस 0.4 दिया हुआ है, प्लस 0.4, ठीक है, तो प्लस 0.4 से कितना प्लस रेडियस मारेंगे? 40 mm का, 4 mm का या 10 mm का, बराबर है ना। अगर हम ये पकड़ के चलते हैं प्लस 0.4, मतलब 0.4 से प्लस ही रेडियस रहना चाहिए, तो 0.4 से प्लस रेडियस कितना, उसका कुछ वैल्यू होगा, 0.4 है, 0.8, 1 mm, 2 mm, 3 mm, कोई लिमिट है? कोई लिमिट ही नहीं है। तो दोस्तों यहां पे जो प्लस 0.4 दिया हुआ है ये मैक्सिमम हो गया, हमें इसके अंदर अपने रेडियस को कंट्रोल करना है, तो यहां पे भी 0.4 जो दिया हुआ है तो 0.4 के इंसर्ट से भी नहीं मार सकते, यहां पे भी है, क्योंकि 0.4 इंसर्ट जब मारेंगे तो ये कॉर्नर का रेडियस 0.4 से प्लस ही आएगा, कम नहीं आएगा, जो कि हमें 0.4 से कम चाहिए, मैक्सिमम 0.4 दिया हुआ उसके अंदर चाहिए,
तो हमें यहां पे दोस्तों 0.2 का इंसर्ट यूज करना होगा। इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें कितने का इंसर्ट लगाना है। अब यहां पे दोस्तों अगर ये चीज नहीं दिया रहता, यहां पे ये चीज नहीं दिया रहता, जैसे कि मैं अभी मिटा दे रहा हूं, तो हम यहां पे नॉर्मली 0.4 का इंसर्ट यूज करते हैं। 0.4 का इंसर्ट क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया, 0.4 के इंसर्ट से हमारे जॉब का फिनिशिंग अच्छा आता है। इसके लिए हम नॉर्मली फिनिशिंग के लिए 0.4 का ही इंसर्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों ये रहा ड्राइंग का कुछ डिटेल जो कि आज के वीडियो में हम देखे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरीके का वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।